हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी बंद हुआ है लगभग 16,012 पे, लगभग 120 पॉइंट गेन के साथ। लगभग हमने 1% गेन देखे हैं। तो यहाँ निफ्टी जो है तो नीचे के लेवल पे अभी जो सपोर्ट ले रहा है, और हमने अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होते हुए देखे है 15,700 के लेवल पे। ये क्यों हो रहा है? तो अब मैंने जैसे कहा था कि ये जो जोन है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। हम जो है तो शायद ये 16,000 और 15,700 का जो जोन है इसमें ही ट्रेड करते रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर के साइड पे बाउंस बैक भी आए। अगर ये जोन टूटता है तो ही हम नीचे जाएंगे। जो नीचे के लेवल है वो रहेंगे फिर उस सिनेरियो में 15,300 से लेकर 15,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी मार्केट जो है तो ओवरसोल्ड भी है, तो यहाँ जो है तो बाउंस बैक आने की ज़्यादा संभावना थी और वो ऑलरेडी आ चुका है। हमने आज वो देखा है। मैंने कहा था कि अगर निफ्टी जो है तो लगभग 15,700 के नीचे जाता है तो ही आपको शॉर्ट जाना है। तो यहाँ जो है तो वहाँ से बार बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया और बेस बना के अभी जो है तो हमने ऊपर के लेवल देखे। तो यहाँ जो है तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट का सीनेरियो और मार्केट के जो फंडामेंटल्स है या फिर न्यूज़ फ्लो है वो इतने अच्छे भी नहीं है। तो यहाँ हम साइडवेज और थोड़ा सा बाउंस बैक देखेंगे। यहाँ बाउंस बैक आ सकता है लगभग 16,230 से लेकर लगभग, अगर अच्छा खासा बाउंस बैक आया और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो हम 16,450 के भी लेवल यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अभी जो स्ट्रेटेजी रखनी है आपको वो बाय ऑन डिप्स रखनी है। आपको जो लॉन्ग करना है निफ्टी को वो करना है लगभग 15,800 के अराउंड आपको बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 15,650 के नीचे। जो लो था वो लो था लगभग 15,675 का, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए 15,650 का, और जो ऊपर टारगेट बनेंगे वो 16,230 से लेकर हमें 16,450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। और कल जो है तो एक्सपायरी के पहले का एक दिन है, तो यहाँ अभी भी जो है तो विक्स बढ़ा हुआ है। आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, ऊपर के लेवल देखे थे हमने मगर ऊपर के लेवल से कूल ऑफ हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन पे हमें ऑलरेडी जो उनके प्रीमियम है वो प्रॉपअप है, तो यहाँ थोड़ा सा उसमें कूल डाउन देख सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको कल के लिए ट्रेड लेना है तो आपको 15,700 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करना है। उस पर जो है तो डिप्स पे बाय करना है। अगर 230 पे जाता है निफ्टी फ्यूचर जाता है 230 पे तो उस ऑप्शन में हमें लगभग 70-80% गेंस दिखाई दे सकते हैं, और उसके ऊपर जाता है तो लगभग 2x गेन देखने को मिल सकते हैं उस ऑप्शन में। तो आपको जो 15,700 का जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करना है, मगर उसको जो है तो डिप्स पे लेना है। अगर निफ्टी जो है तो 15,800 के अराउंड आता है तो ही उसमें एंटर करना है आपको। या थोड़ा सा साइडवेज और रिट्रेस होगा मार्केट, और एक बार फिर से जो है तो बेस बना के ऊपर जाएगा। यहाँ जो गैप जो देखा था हमने उसको फिल करने की कोशिश करा, और यहाँ ऊपर की तरफ बहुत सारे गैप हैं तो उन गैप को फिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा मार्केट। तो यहाँ मैक्सिमम आप 16,450 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनिमम जो है तो मुझे लगता है 16,230 तक तो ज़रूर यहाँ जो है तो बाउंस बैक आना चाहिए। और यहाँ हमारा स्ट्रैटेजी जो रहेगा वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। अभी यहाँ मुझे लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है तो नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। अगर हम जो है तो बड़ी सी कैंडल के साथ जो लो तोड़ देते हैं और 15,700 के नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं तो ही हम जो है तो नेक्स्ट मूव देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए तो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। एज़ पर आवरली चार्ट जो है तो हम ओवरसोल्ड जोन से जो है तो पीआउट की तरफ रिट्रेस हो सकते हैं, और 16,230 और 16,450 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर आपको जो एंट्री करनी है रिस्क के हिसाब से तो वो 800 के अराउंड करनी है। 15,800 के मिलता है निफ्टी तो ही आपको लॉन्ग एंटर करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो अभी ओवरसोल्ड रीजन से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बाउंस बैक अच्छा खासा रहा तो हम 16,600 के भी लेवल देख सकते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रही तो 16,600 से लेकर 16,700 के लेवल भी हम निफ्टी दिखा सकता है ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो ये भी हो सकता है। अभी फिलहाल जो है तो मुझे लगता है कि सेलर जो है तो थक चुके हैं और यहाँ जो है तो वो शॉर्ट कवरिंग करने की सोचेंगे, और यहाँ मार्केट बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से आज की कैंडल बनी है अच्छा खासा हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखा है, तो ये कंटिन्यू हो सकती है आगे चल के। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये पूरी सभी ये जो गैप है ये दोनों कैंडल में का, तो ये गैप फिल अप करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और जो ऊपर एवरेज आप देख सकते हो कि जो 50 वीक का जो एवरेज है वो 16,425 पे है, तो उसको टच करने की और पीओट को टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा मार्केट।
तो इस वीक जो है तो हो सकता है कि आगे जो है तो आने वाले 2 दिनों में हम मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। 1 या 2 वीक में जो है तो ये गैप भी फिल कर देगा शायद मार्केट, और यहाँ जो है तो नीचे जो नेक्स्ट लोअर लेवल आएगा जब हम ये लो तोड़ देंगे और उसके नीचे क्लोजिंग देंगे तभी हमें नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने कहा था कि यहाँ अगर मार्केट लेवल तोड़ देता है तो ही आपको शॉर्ट जाना है। तो यहाँ लेवल तोड़ने की कोशिश की थी मगर उसमें सफल नहीं हो पाया, और इसीलिए अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया आज। और यहाँ इसीलिए अभी यहाँ जो है तो रिवर्स ट्रेड लेना है, और रिवर्स ट्रेड के जो टारगेट रहेंगे वो मिनिमम रहेंगे 16,230 से लेकर 16,450 के टारगेट जो है। तो आने वाले 2-4 दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मगर आपको बाय करना है 15,800 के अराउंड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 15,650 का स्टॉप लॉस रहेगा, 150 पॉइंट की रिस्क लेनी है, और ऊपर जो टारगेट मिलेंगे हमें तो लगभग अच्छे खासे 450 से लेकर लगभग 600 पॉइंट के टारगेट निफ्टी में दिखाई देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ सेलर जो है तो अभी थक चुके हैं, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी शार्प आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी, तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट मत रहिए, लॉन्ग के मौके ढूंढे वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और मार्केट थोड़ा सा दोनों साइड वोलेटाइल रह सकता है, तो यहाँ स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे मैंने कहा था हाई वीक्स रहता है तो दोनों तरफ मार्केट जो है तो स्विंग देता है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी उस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मार्केट रिकवरी के मूड में है, और हम जो है तो कल के लिए 16,250 और उसके बाद में 16,450 के टारगेट 1 से 2 दिनों के हिसाब से लेकर चलेंगे। तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.